अब नहीं होगा अखिलेश और आजाद में गठबंधन। हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे, हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के। अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे आजाद। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे आजाद। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती इनके द्वारा हुई है। चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान का आज अंत हो गया। पहले अखिलेश यादव नानुकुर कर रहे थे और आजाद उनके मानने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि अब गठबंधन नहीं रण होगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते, जो उन्होंने आज तक काम किया है उस काम के बलबूते, जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। मैं एक युवा हूं, अगर आज मैं डर जाता हूं, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं, तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े और वो तमाम तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होकर अपने देश के बारे में सोचे। आजाद ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति में नए हैं, छल को समझ नहीं पाए। आज जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों के बात आप अच्छी तरह जानते हैं, तो हम ये समझते हैं क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ बना दिया। मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों चंद्रशेखर इस देश में तमाम तरह की गुलामी बेबसी के शिकार, और वो परिवर्तन करना चाहते हैं, बस उनको अवसर की तलाश। तो आज मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से और बहुजन समाज की माताओं बहनों बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहता हूं कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। आजाद ने अपने 33 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की। उन्होंने कहा कि हमने बुलंदशहर उपचुनाव में खुद को साबित किया और नतीजे आने के बाद अखिलेश को भी पछतावा होगा। हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे, हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के, और ना ही हम किसी स्थापित दल परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे झुकेंगे। ना हमने कभी झुकना सीखा, ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधानसभा विधायक के पद को ठोकर मारी है, क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, उनकी उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना, जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है, भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता माननीय साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर, चौथे पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। मैं ये भी वादा करता हूं कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी, और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। अखिलेश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजाद पहले 2 सीट पर मान गए थे, लेकिन आज आजाद ने सच्चाई बयां कर दी। जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूँ कि मेरे साथ 25 सीटों पर वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूँ। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 MLA जीतने पड़ेंगे या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए। तो 14 MLA लड़के 14 MLA नहीं जीते जाते, इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी और मुझे विश्वास दिला गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है
चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा। वहीं गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने आजाद के लिए 2 सीटें छोड़ने का ऐलान किया था। अखिलेश ने आज राजभर के बयान पर गौर करने की बात कही, लेकिन आजाद अब और इंतजार के मूड में नहीं है। आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेता जी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं, और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। वकील हैं हम और पढ़े लिखे हैं, सहयोग की भावना में और तंज में, तंज की भाषा को समझते हैं। राजभर का सम्मान करते हुए आजाद ने कह दिया कि वो राजभर की सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर, लेकिन बाकी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। एक साथी हमारे वहाँ हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा, मैं उनको ये वादा करता हूँ कि जिस सीट से वो लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा। मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं, और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ लड़ेंगे मैं वहाँ भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो बहुजन समाज के लोगों से नहीं, वो आरएसएस बीजेपी के लोगों से है, और मैं उसको लड़ूंगा। आजाद ने अखिलेश के सामाजिक न्याय की समझ पर भी कटाक्ष किया। हम सामाजिक न्याय जानते भी हैं और पहचानते भी, और इसी में पैदा हुए हैं। हमारे नेता माननीय काशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों हैं, हमने लड़ाई लड़ी है और इतिहास गवाह है, दलितों ने कभी इतना इस देश को धोखा दिया, इतना अपमान सहने के बाद, जाति सहने के बाद, और ना ही किसी और को धोखा दिया। जब माननीय काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया, क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूँ ना, तो वो सारी बातें दिल पे ले जाता हूँ। तो धोखे के बाद अपनी बात रखी, अब अपनी लड़ाई लाइन खींच के लड़ेंगे। लोकतंत्र में जो भी दल आया है वो अपनी हिस्सेदारी के लिए आया है, और कोई किसी को जिताने हराने, सब लोग जीतने आए हैं, तो हम लोग जीतने के लिए मैदान में आए। जिसको नुकसान फायदे की परवाह थी, उस चंद्रशेखर ने बहुत परवाह कर ली। इतना झुकाव तो चंद्रशेखर ने तब भी नहीं लिया जब उसके जीवन पे भी, जो है ना, जीवन रक्षा पे भी बात आई थी, तब भी उसने इतना झुकाव नहीं लिया। ये लड़ाई सिर्फ जो है लोकतंत्र बचाने की और उत्तर प्रदेश बचाने की थी, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगा के ईवीएम पे आरोप, घर में बैठ जाएंगे सारे नेता, सड़क पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दिखाई देगा अगले 5 साल भी आपको। अब रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन मंजिल तक कौन पहुंच पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।